Hello everyone, this is Ruchika and welcome back to my channel Grace and Glory. So guys, today's video is going to be very different and interesting. Yes, so आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ what's in my PR और what's in my mail, और सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि ब्रांड्स ने मुझे क्या क्या चीजें भेजी हैं लास्ट वन मंथ में, वो सब शेयर करने वाली हूँ मैं आज के वीडियो में. सो आज मैं दिसंबर 15 टू जनवरी 15 तक की जो भी कोलैबोरेशंस मेरे पास आई हैं ऑलमोस्ट वो शेयर करूंगी. एंड हर मंथ में ऐसा का एक वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे मैं शेयर करूंगी व्हाट्स इन माय पीआर थिंग्स. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से. ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं दिसंबर से. एंड दिसंबर में आई हैव रिसीव्ड दिस पैकेज फ्रॉम बेलाविटा ऑर्गेनिक. दे हैव सेंट मी देयर 5 प्रोडक्ट्स एंड इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक रिव्यू भी किया है. सो मैं आपको लिंक दे दूंगी, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज चेक दैट वीडियो आउट. सो इन्होंने मुझे अपने 5 प्रोडक्ट्स भेजे हैं. फेस वॉश है, स्क्रब है, देन देयर इज दिस ग्लोई मास्क, एंड देन एक बॉडी लोशन उन्होंने मुझे सेंड किया है. एंड द फेवरेट वन, दिस इज निको लिप्स लिप स्क्रब एंड बाम, ये भेजा है मुझे. सो गाइस, बेलाविटा ऑर्गेनिक के बारे में देयर इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से दैट दिस ब्रांड हैज सरप्राइज्ड मी अ लॉट, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स आर लाइक दे आर रियली इफेक्टिव, दे आर रियली अमेजिंग. देन दिसंबर में ही आई हैव रिसीव दिस पैकेज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड इंडी अर्थ. एंड इंडी अर्थ ने मुझे भेजे हैं अपने 2 प्रोडक्ट्स, दीज टू. सो दिस इज वन SPF क्रीम, गुड बाय टैनिंग फेस क्रीम विद SPF 50, एंड सेकेंड इज दिस स्किन टोनर, दिस इज इंडिया फेस टोनर विटामिन सी टोनर, ये है एप्पल साइडर विनेगर एंड विटामिन सी टोनर. दोनों पे मैंने रिव्यू भी किया था, सो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप इसे भी चेक कर सकते हैं. SPF क्रीम की बात करूं पहले, इट्स रियली नाइस गाइस. लाइक आजकल मैं यही वाला सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ फ्रॉम दिस ब्रांड द इंडी अर्थ. लाइक यू नो विंटर्स में आपको धूप में बैठना होता है, सो फॉर दैट आई थिंक दिस इज रियली नाइस. SPF 50 है एंड इट स्मेल्स सो गुड. यस गाइस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, दैट इज रियली रियली नाइस, वेरी माइल्ड एंड वेरी नाइस. एंड इसकी बात करूँ, टोनर की बात करूँ, टोनर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. एक्चुअली जब आप इसे अप्लाई करते हो ना तो एक नेचुरल ग्लो स्किन पे आ जाता है इंस्टेंटली. बट एक प्रॉब्लम है कि इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है, थोड़ी सी हार्श है. एंड आई एम द पर्सन जो स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेस यूज नहीं कर पाती, मुझे सर दर्द होना शुरू हो जाता है. सो या ये एक इशू है इस स्किन टोनर के साथ, अदरवाइज दिस इज रियली इफेक्टिव गाइज. ये 2 प्रोडक्ट्स मुझे भेजे हैं द ब्रांड कॉल्ड ब्लू नेक्टर ने. सो सबसे पहले उन्होंने मुझे भेजी है अपनी ये एंटी एजिंग क्रीम. सो पैकेजिंग देखिए, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. लाइक ये बॉक्स इतना स्टडी है कि आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हो बाद में भी. एंड दिस इज दैट एंटी एजिंग क्रीम, आई जस्ट शो यू, कुछ ऐसी दिखती है ये. सभी मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई डोंट यूज़ एंटी एजिंग क्रीम्स बहुत ज़्यादा. बट येस, मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू, यू नो ब्लू नेक्टर के दोनों प्रोडक्ट्स का एक रिव्यू लेके आऊँगी जल्दी. सो फॉर दैट मैं थोड़ा सा इसे यूज़ कर लूँ, उसके बाद ही एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँगी. एंड सेकेंड इन्होंने मुझे भेजा है अपना क्लियर फेस क्लेंजर. यू नो गाइज, दिस प्रोडक्ट हैज़ माई हार्ट बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि मैं क्या ही बताऊं. सो गाइज, इसमें 9 हर्ब क्वेश्चंस हैं एंड हनी एंड टी ट्री पिंपल क्लियर फेस क्लेंजर ये है गाइज. ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. आई नेचर करके एक ब्रांड है, इन्होंने मुझे अपने 2 प्रोडक्ट्स भेजे हैं. सबसे पहले इन्होंने मुझे अपना ये स्क्रब भेजा है एक, एंड इसके साथ दे हैव सेंड मी देयर लिप ग्लॉस. सो स्क्रब की बात कर लूँ, सो दिस इज एप्रिकॉट स्क्रब. एंड अगेन गाइज, इसे मैं आजकल बहुत यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब आई हैव एवर यूज. अमेजिंग स्क्रब है गाइज, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूँगी. एंड इसकी फ्रेग्रेंस, फॉर्मूला, एवरीथिंग इज सो गुड. इस लिप ग्लॉस का शेड नंबर है 17 चीकी रेड. एंड गाइज, मैंने बहुत टाइम के बाद कोई लिप ग्लॉस यूज़ किया है एंड दिस वन इज रियली नाइस गाइज. मतलब एक हल्का सा टिंट है and it just hydrate and moisturize your lips so well, it's just so amazing. Can you see kitna acha, you know, ek pigmented lip gloss ye hai. Next, a pilgrim ek brand hai jinhone mujhe apne 2 products bheje hain, and
दीज आर टू प्रोडक्ट्स. सो सबसे पहले दिस इज पिलग्रिम वॉल्केनिक लावा एश फॉर्मिंग फेस वॉश. सो दिस इज फॉर्मिंग फेस वॉश एंड लेट मी जस्ट शो यू द पैकेजिंग द बॉटल. दिस इज सो लग्जूरियस गाइस. वेट या जस्ट लुक एट इट. इट इज सो लग्जूरियस एंड क्लासी. आई रियली लाइक इट. एंड दिस इज फॉर्मिंग फेस वॉश. मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ. कुछ इस तरह का फॉर्मिंग सा फेस वॉश है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है. मैं अभी यूज कर ही रही हूँ पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स को, तो मैं जल्दी इस पे भी रिव्यू करूंगी. सेकेंड, दे हैव सेंट मी दे ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर विद हालुरोनिक एसिड एंड विलो बाग. ये वाला मॉइस्चराइजर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है. लुक एट द पैकेजिंग अगेन. सो गाइज, दिस इज एक्चुअली यू नो जेल काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर. ये है जेल फॉर्म में है. कैन यू सी, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अमेजिंग है. एंड एज अ मेकअप प्राइमर ये बहुत अच्छे से काम करता है. इवन आज भी मैंने इसे अप्लाई किया है एंड बहुत अच्छी शाइन आ जाती है फेस पे इसे अप्लाई करने के बाद. सो गाइस, नेक्स्ट लग्जोरा करके एक ब्रांड है. दे हैव सेंट मी देयर प्रोफेशनल फेस सीरम विटामिन सी एंड हालुरोनिक एसिड. ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में रिव्यू किया है. गो चेक दैट वीडियो. आई रियली लाइक दिस फेस सीरम गाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी बहुत सारे विटामिन सी फेस सीरम्स यूज किए हैं, बट दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट. इसका टेक्स्चर, इसका फॉर्मूला, इसकी फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट एंड लाइक वेरी वेरी इफेक्टिव. बहुत ही इफेक्टिव वाले प्रोडक्ट है. एक ग्लो पिंक करके एक ब्रांड है. दे हैव सेंट मी देयर डार्क स्पॉट करेक्टर क्रेम. सो आई विल जस्ट शो यू इट. कुछ इस तरह का क्यूट सा कंटेनर है एंड कुछ इस तरह की क्रीम है. फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है एंड यू कैन सी मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है. यस, तो अभी मुझे फिलहाल ही रिसीव हुआ था एंड जिस दिन आया था उस दिन मैंने थोड़ा सा यूज़ करके देखा था. तो इसका फॉर्मूला अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है एंड बाकी ये इफेक्टिव है या नहीं अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया, तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा. तो यस, मैं इसे यूज़ करूँगी एंड डेफिनेटली एक रिव्यू करूँगी. बट या इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. इट इज दिस ब्रांड कॉल लग्जूरा साइंसेस. दे हैव सेंड मी दिस ऑर्गेनिक अनियन ऑयल उन्होंने अपना भेजा है मुझे. एंड गाइज, ये सच में इफेक्टिव है. दिस इज द हेयर ऑयल आई एम यूजिंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड वेरी वेरी इफेक्टिव. ओके गाइज, सो देन अदिवेदा नेचुरल करके एक ब्रांड है. दे हैव सेंड मी देयर परफ्यूम. So, just look at the outer packaging. That's so amazing, so cute. And इस तरह की पिंक बॉटल में परफ्यूम आता है. एंड फ्रेग्रेंस की बात करूँ, सो गाइज, दिस इज एक्चुअली वेरी माइल्ड एंड बहुत ही प्लेजेंट वाली फ्रेग्रेंस है. बहुत ही सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है आई मस्ट से, क्योंकि आई एम द वन एज आई टोल्ड यू जिसे हार्श एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. दैट्स वाई मैं मोस्टली डीओ यूज करना पसंद करती हूँ, बिकॉज मोस्टली यू नो परफ्यूम से थोड़ा हार्श ही फ्रेग्रेंस होती है. बट आई रियली लव इट. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही माइल्ड एंड सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है. सो एनीबडी लाइक मी जिन्हें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज पसंद नहीं है, दे कैन गो फॉर दिस. एंड जस्ट लुक एट द पैकेजिंग गाइज, दिस इज सो क्यूट येट क्लासी एंड लग्जूरियस एंड आई रियली लाइक इट. देन नेचर एसेंस ब्रांड से मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था. सो दे हैव सेंट मी देयर फाइव फेशियल किट्स. एक का आपने रिव्यू अभी अभी देखा होगा मेरे चैनल पे एंड लेट मी जस्ट शो यू. दीज आर द फाइव फेशियल किट्स जो उन्होंने मुझे सेंड की है. सो मैंने पपाया फेशियल किट का रिव्यू एंड डेमो किया है, लेकिन अगर आप इन फेशियल किट्स में से किसी का डेमो एंड रिव्यू चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.